भारत सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में नए संशोधन पर देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है और हड़ताल की वजह रही सड़क पर ही घायल को हिट करके भागने वाले पर लगने वाला जुर्माना। इसी मामले से मिलता जुलता एक मामला सामने आया है दुबई से, जहां पंजाब से गए एक युवक से गलती से पाकिस्तानी युवक का एक्सीडेंट हो गया और युवक की मौत हो गई। दुबई कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा और जुर्माना लगाया 50 लाख रुपए। लेकिन युवक 50 लाख नहीं भर पाया तो उस पंजाब के युवक को मौत की सजा का फरमान जारी कर दिया गया। मामला जलंधर के कस्बा मलेशिया अधीन आते गांव बिल्ली बड़ेच से सामने आया है, जहां गांव का एक युवक 5 साल पहले दुबई गया था और 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारे गए पाकिस्तानी नागरिक की मौत पर 50 लाख का जुर्माना या मौत की सजा सुनाई गई। दुबई गए युवक सुखचैन गिल मध्यम परिवार से ताल्लुक रखते हैं और पिता गुरुद्वारे में सेवादार थे। पिता की मौत के बाद मां ने बहुत मेहनत और संघर्ष से सुखचैन को पाला और पाई पाई जोड़कर अपने बेटे को दुबई भेजा ताकि वो अच्छा कमा पाए। लेकिन अब मां के सर ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि वो चाहते हुए भी अपने बेटे को नहीं छुड़वा पा रही, क्योंकि दुबई कोर्ट 5 लाख मांग रहा है। मां की बेबसी है, इसलिए अब सुखचैन की मां रंजीत कौर लोगों से मदद की अपील कर रही है। जालंधर के कस्बा मलसिया अधीन आते गांव बिल्ली बड़ेच से दुबई के युवक को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में पारिवारिक सदस्य गुरुद्वारा के श्री सरदाना साहिब के संत बाबा गुरमीत सिंह ने बताया कि दुबई गए युवक सुखचैन की वहां की अदालत ने 50 लाख रुपए का जुर्माना या मौत की सजा सुनाई है। गुरमीत सिंह ने बताया कि युवक 5 साल पहले घर की आर्थिक तंगी के चलते कर्ज लेकर दुबई गया था और वहां वो गाड़ी चलाने का काम करता था और 3 साल बाद अपनी शादी करने के लिए जालंधर भी आया था। शादी के बाद वो वापस दुबई चला गया, जहां 2 साल पहले ही उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। एक्सीडेंट की घटना होने पर दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ दुबई की अदालत ने वहाँ की राशि 2 लाख दिरहम 20,000 के करीब जुर्माना लगाया, जिसकी भारत में राशि 50 लाख रुपए है। वहीं अदालत ने यह भी फरमान जारी किया है कि अगर युवक जुर्माना नहीं देता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साढ़े गुरुद्वारा साहब विखे ग्रंथी सेवा करते ही भाई गुरमुख सिंह जी, उन्होंने एक बेटा वो नाम सुखचैन सिंह। सो भाई गुरमुख सिंह जी कुछ साल पहले उन्हें मौत हो गई है। उन्हें बेटा जोड़ा उन्होंने घरवाली ने बीबी नवजोत कर ने पैसे इकट्ठे करके रिश्तेदार लैके तो मदद की, तो उन्होंने बाहर भेजता दुबई। दुबई वो 3 साल ला के वापस आया, वह विआह किया बड़ी खुशी नाल। उस तो बाद विआह तो बाद फिर 15-20 दिन बाद दुबई चला गया, तो उससे जाके फिर गड्डी चला जो गड्डी लैके जाता तो रास्ते में मतलब कोई रोड बनता जो की होया अचानक कोई बंदा पाकिस्तानी बंदा से गड्डी थले आ गया, उसकी मौत हो गई। फिर इन्हू फड़ के जेल पाता, जेल के उन्होंने कहा भी तेनों ये ब्लड मनी भरनी पैनी है। इन्हू ब्लड मनी पै गई है समझ लो तकरीबन 2,10,000 दिरहम, इंडिया के हिसाब से 50 लाख रुपया। वो वास्ते अं सारी संगतान देश दिन संगत बेनती करते भाई ये मदद करनी आप एक जिंदगी का सहारा होर पास कोई जमीन नहीं जायदाद नहीं सिर्फ केवल घर ही है ना। वहीं बेबस माँ का कहना है कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे से उसकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है और अब तक वो लोगों से अपील कर रही है उसकी आर्थिक मदद कर इस राशि को जल्द से जल्द एकत्र कर अपने बेटे को दुबई से छुड़ाकर वापस ला पाए। सुखचैन सिंह की मां ने सरकार से अपील की है कि उसकी मदद की जाए और उसके बेटे को वहां से छुड़वाया जाए। पंजाब से विदेश जाकर अपने बेहतर भविष्य और घर की आर्थिक तंगी को सुधारने के लिए लोगों का जाना लगातार जारी है, लेकिन दुबई जैसे विदेशी मुल्क में पंजाब से गए कई लोग मुसीबत में पड़ रहे हैं और उनकी जान तक बना रही है। अब बेबस माँ की लोगों से मदद की आस है और सरकार से उम्मीद कि उसके बेटे को वापस ले आए।